ए त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के शाम के पैगाम है आप हर के ख़िदमत में असल वरम्ब वबरकू नमस्कार खुद मदाख दाख बला सूर्य नामों से आज की ताज़ा खबरें हम आपके लिए निकालेंगे आपके सामने रखेंगे और दोस्तों आज बुध है जनवरी की पच्चीस तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद बधाइयाँ हम दे रहे हैं अगर गम हैं तो आपके गम में हम लोग शर्क है और बताई जाती है कि ये खबरें जो होता है आज की ताज़ा खबरें नीदरलैंड में रेडियो संगम लोगों तक पहुंचाते हैं और कम यो कोर्स यू एस डॉलर के लिए सेफ तुन सस्त हो चला है दोस्तों तो आप महसूस करते हैं कि कोर्स जो है अपना सर फिर ऊपर को उठा लिया है और एयर के वास्ते फैफ्तीन हो गया है बताई जाती है कि स्तादलेप बेफ्याल फ़ौरतरेख्त यानी कि सरकार बेफ्याल बॉन्स लेर आर को और यह जज के सामने दाखिल किया है और इसका सबब तो आप जानते हैं कि क्या है इस वक्त में जो अक्सी हो रहा है बॉन्सान लेर आर उनकी तरफ़ से तो इसी सिलसिले में इनको जज के सामने इन लोगों को यानि कि लेर क्रख्तन को पेश की गई है यह बॉन्ध जो है यानी कि बेफियल और बेफियल के साथ साथ को जट के सामने पेश किया गया है ऑन दर प्रोसेस फिर से शुरुआत करने के लिए यानी कि जो कार्रवाइयाँ हैं ऑन दरवाइज़ का फिर से शुरुआत करने के लिए और अगर इस तरह से लोग बात करें तो ऐसा लगता है कि एक किस्म का ज़बरदस्ती होता है और ज़बरदस्ती तो लोगों के साथ सिर्फ एक ही कर सकता है और वो है एक देखता न अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करे तो देखता होता है न तो इसी तरह से जबरदस्ती इन लोगों के साथ होता है कि एक ही दम इन लोगों को चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए और ये रास असफिस यूसफ सोन कल बकाना तोरी में अरे भैया बकाना तोरी में तो बकाना तोरी में जो बकाना होता है बकाबाना की तरह गल जाता है तो उसका कौन दम होता है तो भैया बकाना तोरी और यह सरकारी रेडियो एस पर यह आदमी ये बात बताया है और बोलता है कि बहुत हैरत होता है कि देश में और बहुत से अहम बातें हैं जिसको हल करना ज़रूरी है तो कौन सी बातें हल किया जाता है भला बताइए भैया यू सोन अगर हल करना ज़रूरी है यू जिद दर अंदर बलंग क्यों हल नहीं किया जाता है यूसाफ़ सोन दखबल चूरीनामा को ये बात बताए हैं और बहुत सी ऐसे गुजरे हुए सोमवार को और शाम के वक्त में आ, बहुत देर तल बहुत सी सी बातें प्रेसिडेंट के की पर गुफ्तु की गई है फिर भी इसमें कोई हल नहीं हो सका और बताई जाती है जिस तरह से बेफ्याल लेर क्राफ्टन ये बात बता रहा है कि एक चखना पहले तो 300 और कुछ था तो फिर उसके बाद में लोग 500 कर दिया है इन लोगों को देना चाहते हैं कि ये लोग जाकर फिर से अपना काम शुरू करें लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम लोग चखना नहीं चाहते हैं हम लोग जो हक है वो हम लोग चाहते हैं और इसके सिलसिले में फालिस क्या बता रहा है बसले सिंह युक्त पार्लियामेंट इस उन फोर्स तलबार की जो फैसला युक्त पार्लियामेंट लिया है तो बहुत हैरत है इनको इस बात से क्योंकि ये ना सिर्फ़ अलियांसी आई एल एस को लेकिन सरकार को भी जज के सामने ये लोग खींच कर ले गए हैं और फालन बेहद पार्लियामेंट रशीद दुखी न सिर्फ ये जो यू पार्लियामेंट के पास लेकिन रशीद दुखी भैया आप जानते हैं कि यह आदमी जब मुँह खोलता है तो कुछ अच्छाई इसमें से नहीं निकलता है अफसोस होता है कि उस पर हम गुफ्तगु नहीं करना चाहते लेकिन इस आदमी की बातें जो होता है इसमें कोई दम नहीं होता है बुराई और लोगों को बदनामी और गालियाँ और लोगों को ख़राब बनाने के अलावा और कुछ नहीं होता है कभी कभी अफसोस होता सवाल ये होता है कि इसलिए लोग चुनकर इस आदमी को वहाँ पर बैठाया है बोलता है कि अगर लेयर कर ये काम नहीं करना चाहता है तो क्यों नहीं दूसरा काम ढूंढ लेते हैं तो भैया रशीद दुखी शायद वो लोग अगर कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे तो आप अकेले जितना स्कूल है सब स्कूल में जाकर आप लेस देंगे शायद इतना ताकत आपको इसलिए ये बात आप बोल रहे हैं बहुत अफसोस है भैया और ये जो यौर पार्लियामेंट न सिर्फ बेफ्याल आ को और सरकार को भी जज के सामने ये लोग खींच कर ले जा रहे हैं फन दे दे तू न कि पार्लियामेंट यह जो बुरी बुरी बातें इन लोगों के सिलसिले में बोलता है तो बहुत अफसोस होता है और द मैंस वरानदत एसन ख़ आर्थ हैद नोत वालिस बोले है कभी कभी इंसान आदत से मजबूर हो जाता है आप जानते ना वो फ़िल्म शायद आप देखे होंगे आदत से मजबूर तो शायद ये आदमी भी अपने आदत से मजबूर है इसी किस्म की बातें होता है और कभी कभी ऐसा लगता दोस्तों हिंदुस्तानी होने पर मुझे भी शर्म लगता है उनकी तरह मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ लेकिन शुक्र है ये कि बहुत से हम लोग जो उनकी तरह देखते हैं वो आदत नहीं हम लोगों के अंदर उनकी तरह बहरहाल तो ये आदमी बता रहा है वेलको फॉलोइज़ कि बहुत से लोग अपनी आदत से मजबूर है और जो आदत है इनका वही आदत के मुताबिक ये आदमी अपना बात करते हैं जिसमें कोई दम नहीं होता है कोई भलाई देश के लिए न जनता के लिए न लोगों के लिए कुछ नहीं और शायद अपने आप के लिए भी नहीं दोस्तों रोफ ओवरफॉल वोनिंग हेलना क्रस्तिया हेलना क्रस्तिया में पांच क्रिमिनल दाकुलटेरा लुटेरा, लुटेरा क्रिमिनल जो अपने मिनिस्टेरी से अपना बलैत ऐत उफन करते हैं और जिसको कोई नहीं रोक पाते हैं किसी के कलेजा में इतना दम नहीं है कि इन लोगों को रोक सकें और नहीं रोक पाएंगे जिस तरह से हमारे देश में काम होता है कानून जिस तरह से है इन लोगों के सिलसिले में जो इन लोगों को स्तरफ़ दिया जाता है सज़ा सुनाई जाती है तो इन लोगों को अब कोई नहीं रोक पाएगा और इसी तरह से रहेगा जब तक ये सरकार इस तरह से काम करते रहेंगे जिस तरह से होता है तो ये भी होता रहेगा तो ये लोग घुसे हैं हिलना क्रिस्टीना में और बताई जाती है कि रात में दस बजे जो ये खबर दिया है ये अपने दोस्तों के साथ अख्तर तेरास पर बैठा हुआ था पाँच किर मिल आए और वहाँ पर इन लोगों को बंदूक वगैरह निकाल कर और जह हिलद खुरुपंदौत ओंद्र बद्रेखिंग फ्रिंदन आनखी फिर किप हक ऑफलोतान यानी कि मुर्गी के दरबा में ले जाकर इन लोगों को बंद कर दिया ये लोग धमकी वगैरह देकर और एक कमरा में से दस हज़ार ऐसे दे केती वगैरह और बहुत से, से जो सामान कीमती सामान लेकर भागे हैं टोयोटा तो फित्स भी जो एनार के था यानी कि ए के नहीं ना द्नो दाद फली दाद प्लास मैतन फुरत फंद आनखी फर हाँ जो एनार के था जो ये ख़बर दिया है यानी कि इतला किया सिपाही को उनका एक फ़ित्स पेशी फैफ तक सहसन सहस्त तक जिसका कैंती नंबर है ये लोग लेकर भी भाग गया है अब ऑन द सुख जारी है और जारी ही रहेगा भैया जारी ही रहेगा जारी ना, जारी कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है तो जारी ही रहेगा दोस्तों बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से लोग मेहनत और तो मशक्कत करते हैं और ये लोग और इनके लिए कोई सज़ा नहीं है कोई में इतना दम नहीं है कि कानून इस तरह से तैयार कर दे कि ये लोग दस बार सोचे इसे हरकतें करने के लिए खऐशर बजवानगरन तीन यार खऐश्वर बजवानगरन जवक़ बफ मैश आप तो देखो अपाहिज बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं लोग इतनी गिरी हालत पर कुत्ते जानवर की से और बदतर हालत पर गिर गए हैं इंसान हमारे देश में कि अब अपाहिज लड़कों को जिनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं लड़कियां को बलात्कार करते हैं स्टीफन एस दस साल की सजा ऐसा आदमी को सौ साल सजा होना चाहिए था और इस आदमी को जो बलात्कार किया है मार्च की ग्यारह तारीख गुजरे हुए साल में सरकार इस आदमी को जब ख़बर मिला सिपाही के ज़रिए तो एक बारह साल की लड़की यानी एक बारह साल की लड़की माँ बनी हैफ यार बफालन बारह बरस के तो देखो कितनी बुरी बात है ये और युष्तीसी रॉय एल्गिन जो है ये समस्या को मद्देनज़र रखा और सबूती पेश किया और बोला कि यह हकीकत है अथोकार हारो बैरफ़ोर इसको कोशिश किया है बचाने के लिए और फ़रद्त को इस वक्त पकड़ कर स्टीफन एस को लोग बंद किए हैं और अभी तक बंद रहेगा और जारी हो रहा है अट्ठारह साल का अख्त यार ख़ खा आन खादन फॉर अपरसिंग अट्ठारह साल का रोखेंसो ये सनीचर इक्कीस तारीख को इनको पकड़ कर बंद कर दिया गया है इसलिए कि आदमी धमकी के साथ यानी कि कोशिश किया है लोगों को थगने के लिए थगने के लिए ना तो ये लोगों को थगा है अक्टूबर ब्रंदन को और एक खुरुप नौजवानों को जो स्कूल से निकला हुआ था यानी कि फोरन स्कूल इस बैन बेसायश एक बेसायश जो एक स्कूल के सामने हैं वहाँ पर खोसो यजा खोत बरानदन तो हल्प यानी कि बरानदन को ये कोशिश किया जहाँ पर ये समस्या हो रहा था लड़के जो इसको कोशिश किया है मारपीट करने के लिए तो ये आदमी कोशिश किया है उस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए और उसी वक्त से रेखेंसो बरंदन से पैसा मांग रहा है आप पैस कर रहा है यानी कि एक किस्म का धमकी धम द्धंक दे देकर और अब ये समस्या जज के सामने पेश हुआ नीवारी को बरंदन को आ, जो इंतज़ार कर रहा था स्कूल के सामने तो इनको देखा आते हुए रेखेंसो पक्त पक्तदता बरंद उनका ताश लिया और उनका टेलीफोन और इनको बताया कि 200 इनको देना चाहिए जो इनके साथ हुआ था ये बचाया था तो इनको 200 सौ रुपया देना चाहिए और सिपाही को इतला की गई है तो सिपाही इसी सिलसिले में इसको पकड़ कर बंद करा है तो देखो कितना सहज हो गया हमारे देश में कि लोगों धमकी देकर जिसको चाहे तो पैसा भी लूटते हैं वोनिंग ब्रांड अंदर कुआमा बोवै तो लातूर कोमा बोवै हाँ लातूर में यहाँ पर एक मकान जल गया है और बिल्कुल जलकर राख हो गया है ये है आ, ये सोमवार को हुई रात की वक्त में और दो मकान जो अगल बगल में था तो इसको बचाने की ब्रांत कोशिश किया है और ब्रांत साद श्रोज साद इसको हुआ है यानी कि जला नहीं और जिस मकान जला है इसमें एक परिवार रहता था एक आदमी एक औरत और तो तीन बच्चे इसमें रहते थे और ये जो मकान जला है तो बताई जाती है कि इनकी कमरा से ये शुरू हुआ जैश आलमा नार बैतून यानी कि सभी जब ये धुआं देखा तो भागकर बाहर गया है और बेदी जहां पर था तो पता चला कि वहां पर यह आग शुरू हुआ है कि जहां पर एक स्टपनता था तो हो सकता है कि इसी सब से इसमें आग लगा है अब ऑंद सुख हो रहा है आगे चलकर आपको बात बताई जाती है मिसी कावा रखेरिंग न रहस नित द और कि बोले जो आदमी बोले रखेरिंग के चाहिए द ये बेबुनियाद बात है, है? मजाक लोग कर रहा है पॉल्सों में हर जो कहा कावत आ रहा है सापून हिफन खपाकन आसफेफ यार फोरसदर पैंदाइलिमा कि सपून जो कोशिश किया था यानी कि बाका करने के लिए पकाने के लिए न पकाने के लिए तो कुछ ना पका पाया पंद्रह साल में तो बहुत अफसोस की बात है और लुक्त हाफन पर एक औरत बेईदई टीम जो है बेत टीम कॉरस पोलिस नाम का सनीचर जोहन आदौल पैंगल लुक्त हाफन पर एक औरत को पकड़ा जिसके पास दृस्थ था और जो यहाँ पर फुकानसी से आई थी और इसको कोशिश किया अपने साथ में ले जाने के लिए अब जाकर फकानसी अपना बिटाए वहाँ जेल में फ्रिंद फरमोड़ यारक दाम एक आदमी फ्रिंद बाईस साल की एक परिंदेन को आ, मौत के घात उतार दिया है पुलिस द मोर बोलते मोरसन तो, तो खस्त तो तो। अब ये आदमी जो ये हरकत किया है इनको पकड़ कर सिपाही बंद कर दिया है तो देखो भैया तमाम खबरें जो आपके लिए आज के वास्ते अहम था मैंने कोशिश किया है आपके सामने रखने के लिए और जो आपके लिए है अहम है तो भैया ले, ले लेना जो नहीं है तो वहाँ परोलबाक में डाल देना आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा हाफिज़ नमस्कार वालेकुम खुद उमिद